I love to watch Akshay Kumar films, especially I'm a little, it is not a very well presented film, unfortunately. Sir, this movie has not appealed to me so much. मैं अक्षय कुमार होता तो मैं अपनी फिल्म को थोड़ा पोस्टपोन करता बिकॉज ये मूवमेंट कश्मीर फाइल को मिला. आई टॉक अबाउट द मूवी आफ्टर जस्ट वन सेंटेंस. माई फर्स्ट सेंटेंस इज एक बहुत अच्छी सेंसिटिव टॉपिक पे एक फिल्म चल रही है और वो एक मूवमेंट बन रही है, दैट इज़ कश्मीर फाइल्स. और लोगों को एजुकेशन मिल रही है अबाउट कश्मीर. मेरे हिसाब से अगर मैं अक्षय कुमार होता तो मैं अपनी फिल्म को थोड़ा पोस्टपोन करता बिकॉज ये मूवमेंट कश्मीर फाइल को मिलना बहुत ज़रूरी था. ठीक है, एनीवे अब इन्होंने जो कर दिया सो कर दिया. नाउ कमिंग बैक टू दिस मूवी, सर दिस मूवी हैज़ नॉट अपील टू मी सो मच बिकॉज वो जो ट्रांजिशन है ना फ्रॉम अ गुंडा टू अ हीरो, वो एक एक्चुअल गुंडा से एक्चुअल हीरो बनता है, वो रीजनिंग मुझे नहीं समझ में आया. समझ में नहीं आया वो चेंज क्यों होता है, कैसे चेंज करता है अपने आप को. और बहुत सी खामियां, टेक्निकल खामियां थी जो वो कुछ सीन्स थे जो उन्होंने कैरिकेचर बनाया डायरेक्टर ने, तो बचपन पांडे को अच्छा नहीं लगा. तब मुझे समझ में नहीं आया तब वो क्यों इतना इन्फ्लुएंस्ड हुआ. तो वो अगर ट्रांजिशन को जस्टिफाई करते और कुछ कैरिकेचर सीन्स अगर नहीं करते तो थोड़ा रीजनिंग समझ में आता. तो इट इज़ नॉट अ वेरी वेल प्रेजेंटेड फिल्म अनफॉर्चुनेटली. तो हाँ, तो दैट इज़ ना जो प्रेजेंटेशन है वो डायरेक्टर ही करता है ना, तो ही इज़ अ कैप्टन ऑफ द शिप. सो जो पहला दिन का जो पहला यूफोरिया है उनका फैन क्लब जो है गुने चुने लोग हैं उसके वजह से थोड़ा बहुत आपको रिव्यू मिलेगा वो फैन क्लब वालों से, ब्लॉकबस्टर है ये है वो है. सर इट इज़ नॉट अ अक्षय कुमार ब्लॉकबस्टर फिल्म. इट इज़ नॉट अ ब्लॉकबस्टर फिल्म टू मी. इट इज़ नॉट अ ब्लॉकबस्टर फिल्म एंड इट इज़ जस्ट समहाउ अ वन टाइम वॉच. इट हैज़ गॉट नो रिपीट वैल्यू. देर आर लॉट्स ऑफ जो बहुत सारे जो सीन्स थे ना उसको जस्टिफाई नहीं किया गया है. मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो जस्टिफिकेशन नहीं दिखा पाया बराबर. तो इनफैक्ट ये एक नेगेटिव पब्लिसिटी की तरह जाएगी जो क्योंकि कई लोग जो है बुद्धिजीवी लोग ये फिल्म को पसंद नहीं करेंगे मेरे हिसाब से. तो आई एम सॉरी, आई लव टू वॉच अक्षय कुमार फिल्म्स, स्पेशली आई एम अ लिटल बायस्ड टुवर्ड्स हिम बिकॉज ही इज़ फ्रॉम द सेम स्कूल फ्रॉम वेयर आई हैव पास्ड आउट, डॉन बॉस्कोस मटुंगा. बट थोड़ा तो ऑनेस्ट रिव्यू देना ज़रूरी है ना. मैं जानबूझ के अगर मैं कुछ भी सजा के बोलूँ वो नहीं, तो खरी नहीं उतरी. जो करिश्मा है अक्षय कुमार का वो somehow जो है करिश्मा थोड़ा बहुत जो है थोड़ा बहुत वो उभारने की कोशिश करा, पर वो क्या करे जब डायरेक्टर का सपोर्ट नहीं है तो वो क्या करे बेचारा. तो आई डोंट ब्लेम अक्षय कुमार फॉर इट. यू शुड नेवर ब्लेम एन आर्टिस्ट और द टेक्नीशियंस फॉर इट इज़ अ टीम वर्क नो डाउट, बट द डायरेक्टर कॉल्स द शॉट्स. ही नो हाउ एक स्क्रीन प्ले को कैसा सजाया जाता है तो, और कॉन्टेंट क्या होना चाहिए. तो ये है फर्स्ट हाफ, तो मुझे ज़रूरत से ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंट किया. सेकेंड हाफ जो है मुझे रीजनिंग की कमी लगी. तो ये बात है. परफॉर्मेंस की बात करूँ, परफॉर्मेंस क्या है अभी ये ना, जैसे मटके में आप पानी भर रहे हो और मटके में छेद है तो पूरा पानी निकल रहा है. तो परफॉर्मेंस जी जान डालकर वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं मगर सब कुछ निकलते जा रहा है. सब जो भी क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ द वीक प्लॉटिंग. प्लॉट इज़ वेरी वीक, दैट्स द थिंग.
अदरवाइज मैं बहुत दिनों के बाद एक नेगेटिव रिव्यू दे रहा हूँ, बट देन इफ आई एम एन ऑनेस्ट रिव्यूअर देन दिस इज व्हाट इट इज. क्या लगता है अगर बॉक्स ऑफिस को प्रेडिक्ट करें तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो पाएगा इस मूवी का? ये एक आध दिन का खेल लग रहा है मुझे, सिर्फ एक दो दिन का खेल लग रहा है, बाकी मंडे से मुझे उसकी कोई प्रॉस्पेक्ट नज़र नहीं आ रहा है. राधेश्याम इससे अच्छी फिल्म थी, राधेश्याम में कॉन्टेंट थी. कश्मीर फाइल के बारे में तो बोल ही नहीं सकते, इट्स अ गॉड सेंड फिल्म है ना. तो जस्ट मुझे बुरा लग रहा है यार, अक्षय जी को मैं इतना पसंद करता हूँ, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा उनको ही पसंद करता हूँ. और अक्षय जी को मैं ब्लेम नहीं करता हूँ, मैं जो कैप्टन ऑफ द शिप उसको मैं ब्लेम कर रहा हूँ. और जिन्होंने कहानी लिखी, ठीक है, जिगर ठंडा बोल के एक साउथ इंडियन फिल्म है, आई डोंट नो वेदर इट्स अ तमिल फिल्म और तेलुगु फिल्म व्हाटएवर, उसकी रीमेक है. तो मेरे बगल में एक भाई साहब बैठे हुए थे, उन्होंने जिगर ठंडा फिल्म देखी थी, उनको मोटा मोटी अच्छा लगा था. तो कह रहा है कि इसको रीमेक नहीं कर पाया, जस्टिफाई नहीं कर पाया, उसको भी जस्टिफाई नहीं कर पाया, ऐसा है. तो फिल्म बनाना इसका मतलब क्या होता है पता है? फिल्म बनाना इतना आसान काम नहीं है. एक अच्छी फिल्म बनाओ, अच्छा डायरेक्टेड फिल्म कौन से थे अभी हाल ही में? गंगूबाई, आई लव्ड इट, द डायरेक्शन फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम टू द लास्ट फ्रेम वॉज फैंटेस्टिक. कश्मीर फाइल्स टेक्निकली मैंने रिव्यू नहीं दी थी बिकॉज मुझे कश्मीर के मुद्दे पे ज़्यादा बात करना था, पर मैंने टेक्निकली मैंने इतना नहीं बताया, पर आज बता रहा हूँ. टेक्निकली ऑल्सो कश्मीर फाइल्स वॉज अ फैंटेस्टिक फिल्म. ओके, परफॉर्मेंसेज ऑफ द कश्मीर फिल्म, कश्मीर फाइल्स एक्टर्स एंड फीमेल एक्टर्स व फिनोमिनल. सो दैट इज़ वॉट. फिर बाद में राधेश्याम, राधेश्याम वॉज अ कॉन्टेंट ड्रिवन फिल्म. ओके, इट वॉज अ टेक्निकली अ गुड फिल्म, बट इट इज इट इट विल इट वुड हैव अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ क्लासेस ओनली. क्या हुआ 83 के साथ जो प्रॉब्लम हुई, 83 वॉज अ ब्यूटिफुल फिल्म, इट वॉज अ नाइस ब्यूटिफुल फिल्म, बट देन पुष्पा केम विथ अलॉन्ग विथ 83, दैट इज़ वाई 83 वेंट डाउन. सिमिलरली कश्मीर फाइल के साथ राधेश्याम आई, इसके लिए राधेश्याम को, क्योंकि कश्मीर फाइल्स बाय वर्ड ऑफ माउथ, मैंने अब मेरा रिव्यू टटोल कर देखो आप, मैंने ये प्रेडिक्ट किया था पता है आपको, बाय वर्ड ऑफ माउथ कश्मीर फाइल्स इज गोइंग टू गो प्लेसेस. और मैं नॉर्मली रेटिंग नहीं देता, पर मैंने 10/10 बोला था, ठीक है, मुझे पता नहीं कौन से चैनल को बोला था, आपके चैनल या किसी और चैनल, आप जाओ बॉन्ग अंकल में आप देखिए, मैंने 10/10 बोला था, क्रिएटिवली प्लॉट वाइज एंड स्टोरी वाइज, एंड इज नॉट अ स्टोरी, इट इज़ नॉट अ फिक्शन, कश्मीर फाइल इज़ अ फैक्ट. सो वो है, तो फैक्ट्स देखने के लिए लोग जा रहे हैं, क्रिएटिवली उसका एनालाइज करने के लिए नहीं जा रहे, एंटरटेन्ड होने के लिए नहीं जा रहे लोग. कश्मीर फाइल्स एंटरटेन्ड होने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं टू नो क्या हुआ, हमसे क्या गलती हुई, ताकि आइंदा कोई जुरत नहीं कर सके ऐसा कुछ हो. Absolutely. तो इसलिए जा रहे हैं, एंटरटेन होने के लिए कश्मीर फाइल्स देखनी नहीं चाहिए. यू शुड वॉच इट टू, एक सबक लेनी चाहिए हम सबको. एक लास्ट सवाल रहेगा मेरा, बच्चन पांडे आपने जो कहा है इस मूवी को, कितने रेटिंग तो आप तक आपने दिए नहीं है? नहीं, मैं रेटिंग देखिए मैंने जो बोलना था, मेरे हिसाब से इट इज़ अ वेरी 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 एवरेज फिल्म. तो उसको आप रेटिंग में ट्रांसलेट करो, वेरी बिकॉज ऑफ द प्लॉटिंग, बिकॉज ऑफ द स्टोरी लाइन, परफॉर्मेंसेस को मैं इतना मैं ये नहीं करूँगा, क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, ठीक है. जैकलिन फर्नांडिस को जिस तरह से उसका मर्डर हो जाता है, कोई एक विलन है वो मर्डर करता है, वो क्यों करता है, काहे के लिए करता है, कुछ जस्टिफिकेशन रीजनिंग नहीं समझ में आई मुझे, ऐसा है. नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच. एनीवेज गॉड ब्लेस यू ऑल. Bye, take care.